चलते हैं फलौदी, जहां पर सीएम अशोक गहलोत जनसभा कर रहे हैं। सोमराज विस्मय जी, हाजी उमरदीन जी, लीला देवी जी पालीवाल, अन्य हमारे नेतागण, हमारे मंच उपस्थित माता और बहनों, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मुझे बहुत खुशी है कि आज फलौदी के अंदर पुनः आने का अवसर मिल गया जिला बनने के बाद में। और मैं सब जगह ये चाहता हूँ, फलौदी जो है वो जगह है जहाँ से मैंने खुद ने बहुत कुछ सीखा है। आज राजस्थान भर की जो मैं सेवा कर पा रहा हूँ उसमें आपका और जोधपुर ज़िले का, जहाँ से मैं सांसद बना पहली बार 40 साल पहले, आप रिश्ता जोड़ा मैंने 40 साल पहले, और अकाल चुके पड़ते थे बहुत भयंकर, मैं गांव-गांव में ढाणी में घूमता था, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। वो जो अनुभव प्राप्त किया मैंने, क्योंकि पड़ोसी का एरिया, बाप का एरिया बहुत लंबा चौड़ा रहा है, तो वहाँ पे गांव में ढाणी में पहुँचने दूभर था, सड़कें नहीं होती थी, तब भी जाते थे, अकाल के काम चलते थे, पशुओं का ध्यान रखो, चारे का प्रबंधन हो, पीने का पानी का प्रबंधन हो, क्या क्या समस्याएं गांव की होती है, उस रूप में मैंने दौरे करना शुरू किए थे। इतनी मुझे खुशी हुई जब मुझे अवसर मिला कदम चलाने के जयपुर में, तो ये जो मांग पुरानी थी आपकी बरसों से, दामोदर थानवी जी जब जिंदा नहीं रहे वो भी मांग करते रहते थे, तो मेरा बस चला, कलम मेरे हाथ में थी, एक झटके में फलौदी जिला बन गया। फलौदी जिले बनने का महत्व है, आने वाली पीढ़ियां जो है स्थापना दिवस मनाएगी, भाई फलौदी जिला हमारा बना है, तो खुशी है। प्रकाश जी ठीक कह रहे थे, अब आगे की प्लानिंग जो थी, प्लानिंग से जिला डेवलप हो जिससे कि पीढ़ी दर पीढ़ी फायदा मिले, मास्टर प्लान बने इसका, मास्टर प्लान बने, जो चंडीगढ़ बसा हुआ है, पंचकुला बसा हुआ है, तो मास्टर प्लान से बसा हुआ है, नया आपका पड़ोसी बसेगा, कहाँ कलेक्ट्रेट होगा, कहाँ SP, कहाँ अन्य अधिकारी बैठेंगे, मिनी सचिवालय होगा, तो सब कुछ नए ढंग से बनना चाहिए। प्रकाश जी खुद सक्षम हैं, समझदार हैं, अनुभवी हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनके अनुभव का लाभ भी आने वाले वक्त में आप सबको मिलेगा, बस शर्त है आप इनको आशीर्वाद देकर कामयाब करके भेजो। तो मेरी अपील है, आज मैं आया हूँ वो आया हूँ मैं आपसे मांगने के लिए, मेरे अपने लिए आशीर्वाद और प्रकाश चकने के लिए आशीर्वाद। 40 साल से आप मेरे प्रेम, आपका मोहब्बत, आपका विश्वास मेरे प्रति कायम रहा, ये मामूली बात नहीं होती। 40 साल से ज़्यादा समय तक किसी के साथ में प्रेम भाव बना रहे, ये बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत कम जगह सुनने को मिलता है। वही प्यार, वही स्नेह पूरे फलौदी तहसील से हो, बाप हो, अब तो दौड़ अलग बन गई विधानसभा, वही बना हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि मैं खुद आशीर्वाद मांगने आया हूँ। प्रकाश जी का आशीर्वाद दोगे? प्रकाश जी का आशीर्वाद देंगे आप लोग? बहुत आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने, अब बात प्रकाश जी ने कही थी अभी कोविड की बात कही, कोरोना की, पूरा विश्व चिंतित हो गया था कि पता नहीं हम खुद बचेंगे कि नहीं बचेंगे। उस वक्त में आपके आशीर्वाद से, माँ नटियाल के आशीर्वाद से, जम्बूजी महाराज के आशीर्वाद से, मैंने कोई कमी नहीं रखी। जो प्रबंधन किए हैं, ऐतिहासिक प्रबंधन किए, ऑक्सीजन की कमी से किसी को मरने नहीं दिया, कि जो दिल्ली में, बम्बई में कितने लोग मारे गए बड़े शहरों में, अहमदाबाद के अंदर,
और पूरी व्यवस्था करी, दवाइयों की करी, प्रबंधन किया, ऐसा व्यवस्था करी कि भीलवाड़ा मॉडल तो इतना पॉपुलर हो गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी तारीफ करी उसकी, राजस्थान के प्रबंधन की। तो इस प्रकार से हमने प्रबंधन किया। मैंने कहा कोई भूखा नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे कहने कि मुझे गर्व है कहते हुए आप सबके सहयोग से राजस्थान कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोया, एक दूसरे की इमदाद सबने करी, उस वक्त में करी थी। खाना पहुंचाने का काम भी होता था तो पुलिस कॉन्स्टेबल हों या होमगार्ड का आप सिपाही क्यों नहीं हो, उन्होंने सेवा करी। अस्पताल में चपरासी हो या फरास हो, नर्सेज हो, डॉक्टर हो, कोई कमी नहीं रखी हमने। कहने का मतलब सबने मिल के हमने उस मुसीबत को झेला और उसमें हम कामयाब रहे प्रबंधन करने के अंदर। अभी मैं केरल गया था, केरल वहाँ चुनाव चल रहे थे, वहाँ तो मैं जब गया वहाँ तो मैंने बातचीत करी चुनाव के अंदर क्या होगा, तो वहाँ के लोगों ने कहा था इस बार सरकार वहाँ पर रिपीट होगी कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी की। वहाँ 70 साल तक जो है, 70 साल में हमेशा कांग्रेस सरकार, वहाँ 70 साल में हमेशा एक बार कांग्रेस एक बार कम्युनिस्ट पार्टी जीतती है। तो उन्होंने कहा इस बार कम्युनिस्ट पार्टी सरकार है वहाँ पर रिपीट होगी, तो मैंने कहा क्यों, 70 साल में कभी नहीं हुआ। कहने इस बार सब कोरोना में अच्छा काम किया, तो आप समझ जाओ कोरोना में अच्छा काम किया केरला सरकार रिपीट हो सकती है, तो राजस्थान में तो कोरोना से अलावा भी अनेकों काम किए हम लोगों ने। अब 25 लाख का बीमा जो है, पूरा इलाज फ्री हो गया आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा राजस्थान के अंदर, अस्पताल PHC CHC सब सेंटर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, थोड़े दिन में आपकी नई बिल्डिंग बन रही डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी बनाया, जिला अस्पताल तो मैंने बना दिया, पहले बना दिया, जिला बनने के पहले बना दिया फरोदी को। तो आप सोच सकते हो कि राजस्थान में जो काम हुए हैं, 10 गारंटी दी महंगाई 7 शिविरों में दिया आपको, 25 लाख का बीमा, दुर्घटना बीमा, 500 रुपये का सिलेंडर, लंबी रोग में गाय मर गई तो 40-40 हज़ार रुपये हमने दिए हिंदुस्तान में, कहा दिए कहीं पर वो आगे बीमा कर रहे हैं गायों का, भैंसों का, जानवरों का, 100 यूनिट बिजली फ्री करने की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज 1 करोड़ लोगों को बिजली जीरो आ रहा है, 2000 यूनिट बिजली फ्री करी किसानों को, 2000 यूनिट बिजली फ्री किसानों को करी, आज 14 लाख किसानों को बिजली आने लग गया। कहने का मतलब यह है महंगाई के दौर में सरकार जो कर सकती थी वो किया, कोविड में पूरा प्रबंधन किया, पानी की योजनाओं में, बिजली में, शिक्षा में, कॉलेज खोलने में, स्वास्थ्य सेवा में कोई कमी नहीं रखी हम लोगों ने। और स्वास्थ्य सेवा में तो राजस्थान सिरमौर बन गया देश के अंदर, इतना आगे बढ़ गया है। कानून पास कर दिया हमने स्वास्थ्य का अधिकार कानून, हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं होगा। अब कानून के अंतर्गत आपको अधिकार है कि आप स्वास्थ्य का अधिकार आपको है, आपका सरकार ध्यान रखेगी पूरा इलाज आपका हो। इस प्रकार के कानून ने पास किए, सड़कें शानदार बन रही राजस्थान में, 1.5 लाख किलोमीटर किसे कहते हैं, और तो और 1 करोड़ लोग पेंशन